लुधियाणा की लाइफलाइन वजों जाने जाते जगराओं पुल नूं बंद होए अज 4 साल हो गए। 14 जुलाई 2017 नूं पुल का एक पासा अनसेफ होने कारण बंद कर दिता गया सी। इस तो शर्म वाली गल की होएगी कि 4 साल बीत जाने तो बाद भी यह पुल का काम पूरा नहीं हो सकया। लुधियाणा का जगराओं पुल बंद होने कारण लोगों नूं मुश्किलों का सामना करना पैंदा है, पर यह साड़ी सरकार अते प्रशासन नूं कोई शर्म नहीं, क्योंकि साडे लीडर गल्लां तां वड्डियां वड्डियां करदे हन पर जगराओं पुल का एक पासा भी शुरू ना करवा सके। जगराओं पुल के काम पूरा होने दीआं 4 डेडलाइन लंघ चुकियां हन, पर सरकार जां प्रशासन नूं की फर्क? दुख भरे मन नाल ते निराशा नाल इह कहना चाहुंदा मैं, पिछले 4 सालां तों जिहड़ा इह प्राइम मुद्दा सीगा लुधियाणा वासियां दा, जगराओं पुल जिहड़ा शहर दे इक हिस्से नूं दूजे हिस्से नाल जोड़दा सी, इह वी सिर्फ ते सिर्फ राजनीति दी भेट चढ़ के रहि गिआ। पिछले समय च आपां देखिआ वी अंग्रेजां दे समें दा इह पुल बणिआ होइआ, टाइम आउण ते जदों जदों इस पुल दे विच दरारां आईआं जां होर इहनूं कोई प्रॉब्लम आई, लोकां वल्लों इंटैलीजेंसी वल्लों सरकारां नूं ते शहर दे नुमाइंदिआं नूं ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਵਧੀਆ ਚੱਕੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ MP ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਸੁੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ MP ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਗਰਾਮ ਪੁੱਲ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੱਜ ਬਣੇਗਾ 4 ਸਾਲ 'ਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਵਾ ਹਾਲੇ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੁਣ ਭੀੜ ਇੱਥੇ ਜਾਮ 'ਚ ਖੜਨ ਦੀ। सर ये है कि आने वाले टाइम पे तो बहुत अच्छा हो जाएगा जब ये फ्लाईओवर हमारा कंप्लीट होगा, बट अभी तो बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जब भी यहाँ से निकलो सर कितना लेट हो जाते हैं हम लोग। हमारी कॉरपोरेशन, लुधियाना कॉरपोरेशन को चाहिए कि इसको प्लीज जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करें, ताकि जो लोगों को इतना लेट हो जाते हैं, किसी की जैसे रेलवे स्टेशन ही हमारा बिल्कुल पास पर पड़ता है तो सबको काफी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो प्लीज इसका थोड़ा जल्दी उनको कुछ करना चाहिए। हाँ जी सर, आज 4 साल हो गए हैं पर बहुत दिखता है, बहुत ट्रैफिक है, आन जान में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि जी डबर रोड है, सिंगर रोड से आप डबर रोड की हुई है। ये सारे लुधियाना कारपोरेशन वाले चाहिए कि जल्दी तो जल्दी इनू खोलिया जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है सर आन जान में। सवेरे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होंगे, हूँ भी असं आए हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, अद्धे घंटे से लाइन लग के असं आए हैं। देखो बड़ी हैरानी की गल है कि लुधियाना का स्मार्ट सिटी होने के बावजूद, स्मार्ट सिटी ऐलाना था गया लुधियाना शहर और मैनचेस्टर सिटी जिहड़ा पूरे हिंदुस्तान का उद्योगिक क्षेत्र है, वह एक जगराओं पुल जिहड़ा कि साड़ी अंग्रेजा के जमाने का बनया एक पुल जिहड़ा जाना जाता है। पिछले 4 सालों तो हमेशा पता नहीं किनिया ही डेडलाइना सरकार वालों, किनिया ही डेडलाइना नगर निगम वालों दित्तियां गईयां, लेकिन मामला ज्यों दा त्यों ही खड़ा है। मैं समझदा लुधियाना प्रशासन के मत्थे दे कलंक है, साडे जिहड़े जनता के चुने हुए नुमाइंदे ने, इलाका कौंसलर, इलाका MLA साहब, तो साडे लुधियाने के जिहड़े मैंबर पार्लियामेंट ने, उन्होंने जरूर इस कंपनी के उत्ते जिहड़ी बनाउण वाली है इहदे ते कड़े जिहड़े कार्रवाई करनी चाहिए है भी क्यों ये देरी हुई, भी क्यों इन्ना कुछ फैसिलिटियां होने के बावजूद, फंड होने के बावजूद भी जगराओं पोल करके लोगों को क्यों दिक्कतों का सामना करना पै रहा। रोज हजारा ही लखा ही लोग इस जगराओं पुल के ना बनने करके जाम की स्थिति चो निकलते हैं, जिदा खामियाजा जनता को भुगतना पैंदा, इहदा जवाब जिहड़ा जरूर जनता दे चिरों नुमाइंदे देना चाहिए। रिपोर्ट लुधियाना टाइम्स। वधेरे जानकारी लई सबसक्राइब करो साडा यूट्यूब चैनल पब्लिक टाइम्स, अते नोटिफिकेशन लई बेल आइकन ते क्लिक करना ना भुलो।